आबकारी पुलिस का वाहन देख भाग रही तेज रफ्तार में बोलेरो वाहन पलटने से एक की मौत, दो घायल। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत अटारी बंधा के समीप आबकारी पुलिस का वाहन देखकर भाग रही तेज रफ्तार बोलेरो वाहन पलटने से एक की मौत हो गई और दो घायल हुए हैं। मृतक सहित दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मऊगंज अस्पताल लाया गया, पर एक घायल अस्पताल से भाग निकला। बताया जाता है कि सीधी जिले की तरफ से पिपराही होकर आ रही बिना नंबर के बोलेरो वाहन में तीन लोग सवार थे। मार्च को हर गांव के समीप पहुंचने पर वहां आबकारी पुलिस का वाहन खड़ा देख बिल्हा रोड की तरफ वाहन मोड़ दिया। जैसे अटारी बंधा के समीप पहुंचे तो चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई, जिसमें सवार जितेंद्र यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम गढ़वा थाना गुड़ की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अंकित विश्वकर्मा पुत्र शोभनाथ विश्वकर्मा ग्राम गढ़वा वार्ड क्रमांक 15 थाना गुड़ एवं देवेंद्र यादव उर्फ लाला पुत्र जुगराज यादव निवासी बाणगंगा शिवपुरवा थाना गोविंदगढ़ घायल हो गए। मृतक सहित दोनों घायलों को मऊगंज अस्पताल लाया गया, पर गंभीर हालत में अंकित विश्वकर्मा को संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर किया गया, जबकि देवेंद्र यादव मऊगंज अस्पताल से मौका पाते ही भाग निकला। सूत्रों की माने तो दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन में अपराधी प्रवृत्ति के तीनों लोग सवार थे, जिन्होंने बीते दिवस सीधी जिले में लूट की वारदात को अंजाम दिया था और सीधी सहित रीवा पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मर्चुरी में रखवा दिया है। माना जा रहा है कि सीधी पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश में पीछा किया होगा, जिससे बदमाश सीधी से पिपराही मार्ग होकर मऊगंज की ओर भाग रहे थे। इसी दौरान मऊगंज के माछखोहर के पास खड़ी आबकारी पुलिस की टीम को देखकर बदमाश एक बार फिर भागने की कोशिश करते हुए बिल्हा रोड में मुड़ गए और अटरिया बंधा के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है।